प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बिहार शिक्षक भर्ती, आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में एक बड़ी भर्ती पैटर्न आप सबके सामने आ चुका है। बिहार में टीजीटी पीजीटी चाहे आपकी प्राइमरी की बात करें तो बहुत अच्छी वैकेंसी निकली। 170,000 पदों पर भर्ती होनी है। आप सब लोग अच्छी तरह से इस पद को जान रहे हैं और कितना इसका महत्व है इस बात को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। एक सेकेंड के लिए हम थोड़ा सा तो आप सब बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हमने चैनल की तरफ से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट सूचना है उसे लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। मंजिल बैच फर्स्ट जो है आपका ये जूलॉजी के लेक्चरर के लिए है। मंजिल बैच सेकंड जो है ये बॉटनी के लेक्चरर के लिए है। आपने अगर सही से देखा होगा नोटिफिकेशन को तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि जो है आपके जूलॉजी के पद अलग हैं और बॉटनी के पद अलग हैं, ठीक है। अब ये जूलॉजी और बॉटनी के लिए आपको अलग अलग तैयारी करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी योग्यता ऐसी है को जूलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं और बॉटनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो और गुड न्यूज है कि आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों में अप्लाई करके आप दोनों का पेपर दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको मंजिल बैच फर्स्ट इसीलिए नाम एक रखा गया है और मंजिल बैच सेकंड दोनों का नाम एक ही साथ रखा गया है। मेनली बायोलॉजी को ध्यान में रखा गया है। आपके चैनल की तरफ से आप सभी लोगों के लिए यह बैच 28 तारीख से शुरू होगा। 28 जून से यह बैच शुरू होगा और तब तक यह बैच चलेगा जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। इस बैच में क्या क्या हम आपको देने वाले, बेस्ट बुक भी आपको बता रहे हैं, घबराइए मत। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की क्लास मिलेगी। एनसीईआरटी की क्लास जूलॉजी और बॉटनी की अलग अलग नहीं होगी, चैप्टर वाइज होगी। और उस चैप्टर वाइज क्लास को मैं आपको पहले स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्लास होगी। क्लास 11th के सभी चैप्टर होंगे, फिर क्लास 12th के सभी चैप्टर होंगे, चैप्टर वाइज आपकी क्लास होगी। 28 तारीख से यह क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कोई भी इफ बट नहीं होगा। 28 तारीख से यह क्लास आपको मिल जाएगी। 29 तारीख को सुबह से यह क्लास आपके डिस्प्ले पे दिखने लगेगी बिहार बैच में। ये आपकी एनसीईआरटी की क्लास पहली, क्लास 11th 12th की। दूसरी क्लास आपकी जो होगी वह क्लास होगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स की क्लास। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसे मान लेते हैं पहला चैप्टर वायरस है, बॉटनी की बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर वायरस है, तो वायरस की पूरी क्लास आपको मिल जाएगी, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, उसी पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। पीछे पीडीएफ लगा होगा, उसी पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया जाएगा, जितनी टॉपिक हो सकती है वायरस से हो। इसी नोट्स में आपको एडेड होगा एग्जाम पॉइंट। जी आप सही सुन रहे हैं, एग्जाम पॉइंट इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है एग्जाम पॉइंट। एग्जाम पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ये जैसे मान लो वायरस में हो गया, तो वायरस का पूरा चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लिए, वायरस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितने आरएनए डीएनए सब कुछ, कौन हाई बी है, कौन लो है, कौन सी डिजीज फैलती है, कौन बेनिफिशियल कौन हार्मफुल, मतलब टोटल A to Z सब कुछ जो कुछ है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पीडीएफ में नोट होगा, वह पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ये आपको मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ एग्जाम पॉइंट्स लगी होंगी हिंदी में और इंग्लिश में भी। इतना हो गया, दो चीजें होगी। तीसरी क्लास आपकी होती है प्रैक्टिस पेपर। एक तो प्रैक्टिस पेपर आपको टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। एनसीईआरटी का प्रैक्टिस पेपर अलग से मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर अलग से मिलेगा। और फिर उसके बाद लास्ट में आपको मिलता है एक सीरीज मिलेगी, जिस सीरीज का नाम होगा सेल्फ इवेल्युएशन सीरीज, जिसका नाम होता है स्व मूल्यांकन सीरीज, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ और प्रश्न पत्र कराए जाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इतना ही नहीं है, इसके बाद भी आपको चीजें मिलनी है। उस चीज का नाम क्या है आप बताइए। इसके बाद आपको मिलता है मॉडल पेपर और गेस पेपर। जी हाँ, मॉडल पेपर और गेस पेपर, 10 मॉडल पेपर 10 गेस पेपर, ये सभी चीजें आपको दी जाएंगी निःशुल्क। इसलिए चैनल को जल्दी से करिए सब्सक्राइब, अपने मित्रों को भी करिए शेयर। 28 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट है, बल्ले बल्ले एकदम हल्ला बोल करके, और ये हल्ला बोल आपकी क्लास तब तक चलेगी जब तक कि आप ये मान चलिए कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, सिलेक्शन तक आपकी क्लास चलेगी और वह भी निःशुल्क। अब आप बात करते हैं बेस्ट बुक की। बॉटनी के लिए कल हमने जूलॉजी के लिए बेस्ट बुक बता दी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा।
अब बात करते हैं आज बॉटनी के लिए। सबसे पहले बॉटनी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह इंपॉर्टेंट ये है कि आपके क्लास 11 12th की किताबें अगर आप हिंदी में हैं तो मेरे साथ जुड़िए, इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, बायलैंग्वेज हम आपको पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताएंगे आपको, तो ये आपको लाभ मिलेगा। बाकी लेकिन आपको अपने से किताब पढ़नी थी, एनसीईआरटी तो आपको 100% पढ़ना है, एनसीईआरटी पूरी तरह से रट डालिए, मेरी बात मानिए। रटने को मैं रोट लर्निंग नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर केस करने मत चले, रोट लर्निंग कह रहे हैं, छोटे बच्चों को क्या किया गया, आपके लिए नहीं मनाया, ठीक है, रट डालिए। एनसीईआरटी आपके जुबान पे ऐसे याद होना चाहिए जैसे छोटे बच्चों के जुबान पे टेबल याद होता है, ये बात मेरी मान लीजिए। एनसीईआरटी को हम उसी तरह से आपको पढ़ाएंगे भी, विथ सोल्यूशन विथ साइड बुक मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको रटवाऊंगा एनसीईआरटी, आप देख लीजिए क्लास में याद होगा, ये भरोसा रखिए आपको क्लास में एनसीईआरटी याद हो जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं किसकी, ये तो बुक होगी पहली एनसीईआरटी क्लास 11 12th के आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। साइड बुक की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको करवाऊंगा सब कुछ, जो नोट करना होगा एनसीईआरटी मैं आपसे बोलूंगा कि एनसीईआरटी लिख बैठिए, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, इसे आप नोट करिए अपने एनसीईआरटी पे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपके लिए होगा। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, दूसरी बुक जो आपको चाहिए, देखिए माइनर बॉटनी के लिए आपको बुक चाहिए, माइनर बॉटनी की बुक चाहिए, आप सिंह पांडे जैन की बुक ले सकते हैं, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज आपको वहीं से पढ़ाऊंगा, मैं बुक बता दे रहा हूँ, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंह पांडे जैन से पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम आपको रमेश गुप्ता से पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम प्रदीप पब्लिकेशन से पढ़ाऊंगा, बुक फिक्स है उन्हीं बुकों से पढ़ाऊंगा। और उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी सिंह पांडे जैन से पढ़ाऊंगा, साइटोलॉजी आपकी क्लास 11th की बुक से प्रदीप से ही पढ़ाऊंगा, फिजियोलॉजी पूरी जो है क्लास 11th की बुक प्रदीप और एबीसी के मिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद जीनियस इसके बाद जो आपका ये है क्या नाम है रस्तोगी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस पेपर आता है उससे आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, कोई चोरी नहीं, मैं उसी से कराऊंगा, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, आप परचेज करना चाहते परचेज कर लीजिए, इतनी ही बुक की आवश्यकता भी आपको है, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, पीडीएफ बना के देने का काम हमारा है, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस आपको एनसीईआरटी, लेकिन मेरे कहने से आप एनसीईआरटी जरूर परचेज कर लीजिए, एनसीईआरटी बहुत महंगी नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी ले लीजिए आप पढ़िए। इसके अलावा नोट्स आपको जो मिलना है वो मिलेगा, जो क्लास मिलनी मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मिलेगी, करो भाई मान जाओ, अब तो कर लो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को शेयर भी करो, पुण्य लगेगा, किसी को नौकरी दिलाओगे आपकी वजह से, किसी को नौकरी मिल जाएगी उसको पुण्य मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा, आपको पुण्य मिलेगा, दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला स्वतः ईश्वर करेगा और आप नौकरी पा जाएंगे, दूसरे को शेयर कर दोगे नहीं पड़ेगा तो उस कहाँ पाएगा, तब भी आप पा जाएंगे, तो इसलिए आप जरूर शेयर करिए, शेयर करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मंजिल बैच सेकेंड बॉटनी वाले जुड़ जाइए, मंजिल बैच फर्स्ट जूलॉजी वाले जुड़ जाइए, दोनों लोगों के लिए बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, बैच आपका क्लासेस जो है आपको 28 तारीख से मिलेंगी। एग्जाम पॉइंट की कुछ झलक, कुछ नोट्स की झलक आपको बीच बीच में क्लास करके हम आपको देते रहेंगे, उसकी झलक आप देखते रहिए कैसा आपको लग रहा है, आप हमें बीच बीच में बताते रहिए, ठीक है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, अब तो कर लो मान जाओ, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर अपने मित्रों को शेयर करिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। हाँ एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए नीचे दिया गया है, और दूसरी चीज़ पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं, ठीक, तो पढ़ाई करिए, जब समझौता नहीं करना पढ़ाई करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कह रहा हूँ निःशुल्क है लेकिन निःशुल्क के जैसे नहीं पढ़ाऊंगा, देखिएगा आपको लगेगा कि कितना बेहतरीन क्लास चल रही। आप जो पेड बैच में आप परचेज करेंगे ना 4-6-10 हज़ार रुपये दे दे करके, उससे बेहतर नहीं दिया तो कहिएगा, ठीक, अब मैं कुछ कहूँगा नहीं, बाकी फिर मिलूँगा बाद में क्लास के साथ, वादे के साथ, ठीक है, वहाँ करके दिखाऊंगा, कह के क्या फ़ायदा, कह के कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं, करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद, कहाँ भाग गया भाई।